नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेट। जनपद फरुखाबाद में ग्राम प्रधान ने महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। ग्राम प्रधान ने अपने कार्यालय पर महिला के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस को सड़क किनारे महिला अर्धनग्न अवस्था में मिली थी। महिला से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस ने खाना पूर्ति कर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। महिला ने पुलिस पर आरोपी से सांठगांठ करके उसे बचाने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार महिला पेशे से गायिका है। महिला जनपद हरदोई से जागरण में भजन गाकर बीती शाम को पांचाल घाट पहुंची थी। अपने घर जाने के लिए टेम्पो का इंतजार कर रही थी, तभी परिचित प्रधान सुरजीत बाइक से वहां पहुंचे, जिन्होंने महिला को अपने कॉल सेंटर होकर घर तक पहुंचाने की बात कही। प्रधान सुरजीत महिला को अपनी बाइक से बिठाकर नेकपुर कला स्थित कॉल सेंटर ले गए और वहां महिला को काफी पिलवाई। जब महिला ने चलने की बात कही तो सुरजीत ने धक्का देकर महिला को गिरा दिया और कमरे की बिजली बंद कर दी। प्रधान ने महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। असफल हो जाने पर प्रधान ने महिला का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। महिला के चिल्लाने पर सुरजीत हड़बड़ा गया, तभी महिला पीछे वाले गेट से इज्जत बचाकर भाग गई। महिला को प्रधान के साथी ने भागते समय पकड़ने का प्रयास किया। सुरजीत ने भागते समय महिला को जान से मार देने की धमकी देते हुए गंदी गालियां दी। महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि चौराहे पर पुलिस अंकल के मिल जाने पर जान बची है। अचानक भागने के कारण महिला का बैग, मोबाइल फोन, कपड़े आदि सामान सुरजीत के कॉल सेंटर में ही छूट गया। महिला ने बताया कि प्रधान सुरजीत दिखावे के लिए अखिल भारतीय गौ सेवा संघ व कॉल सेंटर चलाता है, जिसकी आड़ में महिलाओं और लड़कियों को बहला फुसला कर यौन शोषण का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है। वह कॉल सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का कारोबार करता है। पुलिस ने अपराध संख्या 82/90 धारा 354, 323, 504, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। समाचार डिजेट के लिए फरुखाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं प्रोग्राम करती हूँ और गेस्टा करती हूँ। मैं हरदोई से प्रोग्राम करके वापस आ रही थी। वहाँ घटिया घाट चौराहे पे उतरी तो वहाँ पे हमको मिल गया। इसने पूछा कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ। तो ये हमसे बोला कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं ले जाऊंगी, आप जाइए, मैं निकल जाऊंगी। तो इसने कहा अरे चलो हम छोड़ देते हैं। तो मैं बैठ के इसके विश्वास करके इसके साथ चली आई। तो ये मुझको ऑफिस ले गया, भोलेपुर चौराहे पे इसका ऑफिस है। गौ सेवा संघ चलाता है, कॉल सेंटर भी चलाता है, कई लड़कियां भी इसके यहाँ आती हैं। तो कॉल सेंटर के नाम पे ये सारी लड़कियों का वीडियो बनाता है, नंगे का फोटो बनाता है, लड़कियों को फंसाता है, लड़कियों को धंधा भी करता है ये। मुझको जब मैं इसके ऑफिस पहुंची तो इसने मुझको कॉफी दी, कॉफी में कुछ मिला हुआ था तो मुझको कॉफी चेंज लगा। तो एक घूंट पी के मैंने कॉफी फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ जो दूसरा आदमी था उसने शटर डाल दिया बाहर से और उसने अंदर मुझको पकड़ लिया। फिर दोनों ने मेरा गला दबा और मैं चिल्लाई तो मेरा मुंह भी ढक दिया, बहुत मारा, मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, मेरी सलवार भी निकाल दी। दोनों ने मुझको बहुत मारा। सलवार निकाल दी तो उस अवस्था में कहाँ पहुँची? उस अवस्था में मैं पीछे वाले गेट से भागी और उसके बाद मैं बेटी हाउस के पास पहुंची, पूजा बेटी हाउस के पास पहुंची। फिर मैं वहां पर मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले मिले तो उनको मैंने बुलाया। तो पुलिस वालों ने पुलिस वाले को बुलाया, पूरी गाड़ी भर के आई तो वो मुझको ले गई। अगर उसी समय पुलिस हमारे साथ तुरंत पहुंचती तो वो भी पकड़ जाता और पुलिस ने मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनी। मैं दर दर भटक रही हूँ। जब से मेरे साथ हादसा हुआ है पुलिस ने वहां से पैसा खा लिया है, उसको बिल्कुल पकड़ नहीं रही है। हाँ बहुत ही हमने सुना है। उसकी तीन चार औरतें हैं और वो तीन चार औरतों को रखता है और काफी लड़कियों के साथ उसने यही हाल किया है। उसके कई मुकदमे चल रहे हैं इस मामले में। सिलवा पहने थे, पैजामी नहीं थी, पैजामी नहीं पहने थी, नंग थी। हाँ बस यही कह रहे थे, मेरा सब कुछ लुट गया। नहीं, पुलिस वाले कहीं काम करवा रहे थे, पुलिस वाले कहीं काम करवा रहे थे, पुलिस वाले कहते। सर एक नेकपुर कॉल सेंटर में कोई मामला, दुष्कर्म का मामला, क्या पूरा मामला है?
ये काशीराम कॉलोनी की कोई महिला कहीं से आ रही थी, उसको उसका पार्थिव कोई ग्राम प्रधान नहीं हुआ, ये उसका नाम है सुजीत वर्मा, ये मिला कहीं, उसको लिफ्ट दिया, उसको मोटरसाइकिल से बैठा खिलाया, कहा चलो छोड़ देंगे आपको पहुँचा देंगे, और उसका कहीं कार फिल्टर है वहाँ ले गया, उसका आरोप है कि वहाँ उसने उसके साथ छेड़खानी देर किया, इस संबंध में थाना फतेहगढ़ कोतवाली मुकदमा पंजीकृत है और एस आई हरिओम त्रिपाठी इसकी निवेदन कर रही है। सर ये पठानेपुर में आर्मेक्स में भी पड़ा, इसके पास AK-47 जैसे संगीन हथियार भी पकड़े गए थे, अब इस संबंध में जानकारी नहीं है, पता लगाया जा रहा है, अगर इस तरह की बात आती है तो कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।